हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डायनामाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। जैसे कि और वो रेसिपी क्या है, हम अपने घर में कच्चे आमों को कैसे पकाएं। जैसे कि आजकल आमों का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो हम बाज़ार से आम लाते हैं, बट आजकल कोरोना का सीज़न है और बहुत ही डर लगता है कि हम बाहर से कुछ भी खाएं तो कैसे खाएं। तो सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि आप एक गत्ते का कार्टन लें और उसमें कच्चे आम को न्यूज़पेपर में छोटे छोटे टुकड़े काट लें पहले पेपर का, उसके बाद आप उसमें रैप कर लें। और देखिए, इस तरीके से आपको रैप करना है, एक एक आम को ही करना है दोस्तों, एक साथ कई सारे आमों को रैप नहीं करना है। सबसे पहले आप कार्टन के नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा दें और उसमें एक आम को लें और फिर उसको ठीक से रैप कर लें छोटे टुकड़े में कागज़ के, लेकिन वो पूरी तरीके से रैप हो जाए ऐसे कर लीजिए, लपेट कर अच्छी तरीके से उसको आप कार्टन में एक लेयर में लगा सकते हो। ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारे आमों को रैप करना है ठीक से और लगाना है। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको घर में आम जो हम पकाते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं और उसे खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होती। और उसे पकाने के लिए जो एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारा प्याज। अगर आप आमों को रैप करेंगे और उसे अच्छे से प्याज के साथ रख देंगे तो दोस्तों, आप दावा करती हूँ कि आपके आम 2 दिन में इतने बाजार जैसे एकदम मीठे पक जाएंगे और उनकी मिठास बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि आपको बता रही हूँ कि जो बाज़ार में आप पकाते हैं वो केमिकल से पकाते हैं, और घर में जो आप पकाएंगे ना न्यूज़पेपर के साथ, वो बिल्कुल भी केमिकल उसमें होगा नहीं और वो एकदम से असली मिठास जैसे कि पेड़ों पर आती है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे कच्चे आम मंगाए थे, क्योंकि आजकल बहुत कोरोना चल रहा है, आप लोग भी कच्चे आम मंगा सकते हैं, उन्हें अच्छे से साफ़ करके और घर में ही पकाइए। फिर वो आपको फिर आप बताना कि वो प्याज के साथ जब आपने उसको रखा तो कितनी जल्दी वो आम पकेंगे। लेकिन एक बात का आप याद ज़रूर रखें कि जब भी आप आमों को रैप करें और गत्ते पर रखें तो उसको ठंडी जगह पर बिल्कुल भी ना रखें, जैसे कि एसी के रूम में, जैसे कि कूलर के पास, बाहर खुली हवा में आपको नहीं रखना है। आप किचन में रख सकते हो, किचन में थोड़ी बहुत गर्मी भी रहती है, या फिर किसी स्टोर रूम में, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा ठंडक ना आती हो, वहाँ पर भी आप उसको आराम से रख सकते हैं। और प्याज डालने से आपके आम बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, प्याज और बहुत ही मीठे। इसको आप एक बार ज़रूर आजमाइए। और दोस्तों, केमिकल फ्री आम खाने का सबसे अच्छा तरीका है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।